YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। पाकी प्रखंड की पाकी पूर्वी पंचायत वर्ष 2016 में ओडीएफ घोषित हुआ था। इस पंचायत में 440 शौचालय का निर्माण कार्य 56,80,000 रुपए की लागत से कराया गया, जबकि बीते वर्ष 2017 में पाकी प्रखंड के ही आदर्श पंचायत केकरगढ़ ओडीएफ घोषित हुआ, जिसमें 845 शौचालयों का निर्माण कार्य 1,01,40,000 रुपए की लागत से हुआ। वही ओडीएफ घोषित हुरलोंग पंचायत में कुल 833 शौचालयों का निर्माण कार्य 99,96,000 रुपए की लागत से हुआ है। यह कागजी आंकड़ा धरातल पर विकृत रूप में नजर आती है। पाकी प्रखंड की पाकी पूर्वी केकरगढ़ और हुरलोंग पंचायत में शौचालय निर्माण कार्य पूरा होने के बाद खुले में शौच से मुक्त हुआ, लेकिन अभी भी इन पंचायतों में लोग खुले में शौच जाने को विवश हैं, जिसका प्रमुख कारण शौचालय का निर्माण कार्य सही तरीके से न होना है। साथ ही इसके निर्माण कार्य में घटिया सामग्रियों का उपयोग किया जाना भी शामिल है, जिसका बेजोड़ उदाहरण पाकी पूर्वी पंचायत में देखने को मिलता है। पाकी बस्ती निवासी शांति देवी का शौचालय आज तक अधूरा पड़ा है। वहीं लाभुक रीना देवी ने बताया कि शौचालय में लगे दरवाजा को हवा उड़ा ले गए, जबकि गड्ढा में अब तक ढक्कन नहीं लग सका है और ना ही पैन। दरजाही टोलावासी रामबलि सिंह का शौचालय निर्माण होने के बाद भी उद्घाटन की बाट जो रहा है। जिस स्थान पर शौचालय का निर्माण कार्य हुआ है वह निर्जन स्थान के रूप में है। प्रखंड भर में शौचालय का निर्माण कार्य बिचौलियों के माध्यम से कराए जाने की ग्रामीणों ने शिकायत की है। पांकी प्रखंड में शौचालयों की स्थिति बद से बदतर है। एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, वहीं निर्माण कार्य में बिचौलियागिरी हावे होने की वजह से शौचालय निर्माण का जमीनी हकीकत कुछ और है। प्रशासन की नाक के नीचे शौचालय निर्माण कार्य में घोर लापरवाही बरती गई है, महज खाना पूर्ति ही की गई है। निर्माण कार्य में जमीनी स्तर पर सच्चाई कुछ और बयां कर रही है, यह सब जांच का विषय है। शौचालय हाँ। उसमें और क्या क्या कमी है? उसे पेन नहीं बैठा हुआ है ना? पेन भी नहीं बैठा हुआ है, ढक्कन नहीं लगा हुआ है।